की शुरुआत एक गुड न्यूज से करते हैं। गुड न्यूज क्या है आपको बता देती हूँ। देखो, आज तक आपको लगता होगा कि चांद पर ना इंसान का घर बसाना या उसका खुद का बसना एक इमेजिनेशन सा है, पर अब ऐसा मुमकिन है क्योंकि इस बात को गलत साबित कर दिया गया है। आने वाले कुछ सालों में बहुत पॉसिबल है कि आप चांद पे जा सके और वहां पे सुरक्षित रह भी सके। साउंड इंटरेस्टिंग नो, क्योंकि चांद पर मिल गया है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन खो जाए हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने। यस, आइए डिटेल में आपको ये अच्छी वाली खबर बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पे सफल लैंडिंग के बाद ना इसरो ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही अच्छी खबर दी है और हिंदुस्तान का परचम पूरे देश में लहरा दिया है। बता दिया है कि चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन को ढूंढ निकाला है। ये डिस्कवरी प्रज्ञान में लगे पेलोड यानी कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। वेल, LIBS चांद की सतह पे तीव्र लेजर किरणें फेंक के उनका एनालिसिस करता है। ऑलराइट, ये लेजर किरणें बहुत ज्यादा तेजी के साथ पत्थर या मिट्टी पे गिरती हैं। इससे वहां पर बहुत गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। और ये हमें ये बताता है कि इस सतह पर किस किस तरह के मिनरल्स और केमिकल्स मौजूद हैं। और रोवर प्रज्ञान ने इस बात को खोज निकाला कि चांद पर ऑक्सीजन है। आहा, ऑक्सीजन का चांद पे मिलना यानी इंसान के चांद पे बसने के चांसेस का बढ़ जाना। अरे भाई वाह वाह, सुन के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है अभी से चांद पे चली जाऊं। पर पता है क्या, अच्छी खबर सिर्फ इतनी नहीं है। चांद के साउथ पोल पे प्रज्ञान ने सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे केमिकल एलिमेंट्स का भी पता लगा लिया है। भाई वाह। वैसे चांद की सतह पे हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। अगर हाइड्रोजन भी चांद पे मिल गया तो समझ लो कि कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि तब ना ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिला के पानी बनाया जा सकेगा। आपको पता है ना, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि वाटर। और अगर पानी आ गया चांद पे तो फिर तो जिंदगी की होगी गारंटी। तो चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का ये पहला इनसीटू एक्सपेरिमेंट था। इसरो की ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है, चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है सिवाय भारत के। और मिशन चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के साउथ पोल के रहस्यों को पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। बताइए कितने कमाल की बात है ना ये, हमें तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बनने वाला है जो चांद पे बसने की गारंटी दे देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमको जल्दी से लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में। और कहा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। दैट्स सिंपल। वेल, फॉर मोर सच इंट्रिगिंग एंड इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।